आज मैं यहाँ खड़े होते हुए बहुत हर्ष और गर्व महसूस कर रहा हूँ, और इसको बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में मध्य प्रदेश पिछली जो वर्जन था 2017 उसके मुकाबले हम लोगों ने, आप लोगों ने बेहतर कंट्रीब्यूट करते हुए पांचवें स्थान हासिल किया है। मुझे याद है जब अगस्त के कोई कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को ये कहा था कि टॉप 10 के लिए आप टारगेट करें। माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि आप टॉप 10 के लिए टारगेट करें। प्रमुख सचिव महोदय ने ये समझते हुए और ये विश्वास रखते हुए कि ये टीम बहुत ही काबिल टीम है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कमिट किया था कि साहब हम कोशिश करेंगे कि टॉप 10 में आएंगे। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, जिन्होंने कई बैठक में ये बात कहा कि मध्य प्रदेश को नैस में टॉप 10 में आना है, वो संदेश नीचे तक पहुंचा और पूरा का पूरा टीम सक्रिय हुआ, उसके लिए पूरा टीम की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि साहब आपने इसके लिए ये मार्गदर्शन दिया। साथ ही हमारे मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार साहब, जिन्होंने बार बार ये कहा कि हम लोग कर सकते हैं, आपको प्रयास करना चाहिए, तो मैं पूरा टीम की ओर से माननीय शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारे विभाग के मुखिया श्रीमती रश्मि अरुण शमी मैम, जिन्होंने भरोसा रखा इस टीम पर, और मैं उनको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप तीनों ने हमें मार्गदर्शन दिया, सपोर्ट दिया, तो हम आज यहां पर खड़े। साथियों, मैं सोच रहा था कि भाई कौन है इस जो अचीवमेंट को साध्य किया, पॉसिबल किया कौन है, तो मेरे सूची में सबसे ऊपर आता है जिस शिक्षक ने क्लासरूम में इस चीज़ को लेके गया, पढ़ाया। और मैं कल भी कह रहा था कि भाई हिंदी आर्टलैंड में मध्य प्रदेश जैसे जगह पर आप ये कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई दीपावली के आसपास और दीपावली के दिन कक्षाएं चल पाएंगे, तो शिक्षक साथियों ने इस काम को साथ ही बनाया। सबसे पहला जो क्रेडिट है वो साथियों को मिलता है। दूसरा, मैं उस क्रम में सोचता जाऊं कि मैं कलेक्टर्स का नाम ले सकता हूं कि जिन्होंने प्रारंभ में ही इसको एक डायरेक्शन दिया, इसको एक लीडरशिप दिया, कई जगह गए, समीक्षा किए, देखे भाई जिले का परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। मैं उन सभी कलेक्टर्स, सभी सीओ जिला पंचायत जिन्होंने इस कार्यक्रम को मार्गदर्शन दिया, भाग लिया, कई एसडीएम्स इस कार्यक्रम में आए, उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उन सबको क्रेडिट जाता है। उसी क्रम में मैं सभी जेडीस, डीओ, डीपीसी, एपीसी एकेडमिक और उनके पूरा टीम, मैं तो कई सब इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर को भी जानता हूँ जिन्होंने एकेडमिक मॉनिटरिंग किया है, और कलेक्टर के निर्देशन में कई जिला अधिकारियों ने इस कार्यक्रम को मॉनिटरिंग किया, मार्गदर्शन दिया, उनको एक क्रेडिट जाता है। और ज़िले का जो तकनीकी अमला है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर्स, उन लोगों ने बहुत मेहनत किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उसके बाद बीआरसी, बीएसी और उनका जो एमएस कोऑर्डिनेटर्स है, इन लोगों ने मेहनत किया। सीएसी, जिन्होंने घूम घूम के जो प्रैक्टिस टेक्स्ट बुकलेट बांटे, बाकी चीज़ें बांटे, टूल्स बांटे, देख के आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और एक जो मुझे विशेष उल्लेख करना है, जो मध्य प्रदेश का मीडिया, मुझे ज्ञात नहीं है कि किसी कार्यक्रम को इतना पॉजिटिव कवरेज मध्य प्रदेश का मीडिया इस दौरान दिए होंगे। शायद ही कोई ऐसा
मीडिया हाउस होगा या छोटे पत्रिका भी होंगे या डिजिटल मीडिया होगा जिन्होंने नास का प्रिपरेशन को कवर नहीं किया और बहुत पॉजिटिवली कवर किया। मैं इस मंच से उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस जो उपलब्धि में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद लास्ट में मेरा यहाँ बैठे हुए टीम उस क्रेडिट का भी कुछ हिस्सा उनको भी मिलता है। और विशेष मैं बात कहना चाहूँगा बच्चों का और अभिभावकों का। मुझे कल कई उदाहरण दे रहे थे, कई अभिभावक ऐसा कहे कि भाई बच्चे इतना बड़ी परीक्षा ले रहे हैं तो हम उसको छुट्टी के दिन भी लेके आएंगे, ज़रूर लेके आएंगे। तो ये उत्साह ये दिखाता है कि अगर एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ हम काम में आगे बढ़ेंगे तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। मैं एक रिस्की काम भी ले रहा हूँ, वो ये है कि अगर मैं देखूँ कि 100 अंकों में, मुझे आजकल सभी को 100 अंकों में देखने का थोड़ा ज़्यादा ये हो रही है, 100 अंकों में देखूँ भाई मैं किसको कितना क्रेडिट दूँ जिन्होंने एक्चुअली काम किया। तो मैं बहुत सेफली 95% क्रेडिट सभी टीचर को देता हूँ जिन्होंने क्लासरूम में जाके इस काम को संभव किया, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को मोटिवेट किया और यहाँ खड़े होने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। जो बाकी 5 पॉइंट बचते हैं उसमें ये सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलता है, कलेक्टर्स, SDM, CO, जिला पंचायत, पेरेंट्स, बच्चे और JD, BRC, CRC, DPC, प्रोग्रामर, CAC और जो लास्ट में जो भी 0.000 जो भी बचता है उसका हकदार जो मेरे साथ बैठे हुए टीम जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, तो उतना ही हमारा कंट्रीब्यूशन है। बाकी सभी कंट्रीब्यूशन जो 95% कंट्रीब्यूशन जो है वो टीचर का। मैं आज आप सबसे आग्रह करूंगा हम सब खड़े होके वो टीचर के लिए दिल से ताली बजाएं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया।